अद्भुत क्षण मंगलाचरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन, बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सहचर के रूप में इस पूरी यात्रा में हैं, वो पहुंच रहे हैं। और काशी इसलिए भी बेहद विशिष्ट है, अगर अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय। पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो महामानव विषपान कर सकता है, उनके सबसे प्रिय नगरी है, उनके आवास की नगरी है और उनके धाम की नगरी है। विश्व कल्याण के लिए विषपान करने का कि संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति में ही है। और वही भगवान शंकर जिनके क्रोधानल से संपूर्ण जगती क्षार क्षार हो सकती है, जिनके डमरू की प्रलय ध्वनि से भीषण संहार हो सकता है, आज साक्षी बन रहा है। भगवान शंकर का ये धाम सृजन का, भगवान शंकर का यह धाम आज साक्षी है निर्माण का, नव निर्माण का, नव्य चेतन का, संकेंद्रण का, सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का जहाँ पर आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है, हर कोई यहाँ पर विनयावनत हो जाता है। और यहाँ से निकली हुई कांति लोगों की भ्रांति समाप्त करती है, यहाँ से निकला हुआ स्वर पूरे दुनिया में गुंजायमान होता है। और यहाँ से आज विकास का स्वर दिख रहा है, यहाँ पर आज गंगा दिख रही हैं, यहाँ पर अलकनंदा दिख रही हैं, यहाँ पर भगवान शंकर दिख रहे हैं और साथ ही साथ बदलते भारत की विकास गंगा का रूप भी यहाँ पर दिख रहा है। और दिव्य धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभव हो रहा है, उनकी परिकल्पना का सृजन का मूर्त स्वरूप बन रहा है। द ब्यूटी एंड द ग्रैंडियर ऑफ श्री काशी विश्वनाथ धाम इज इमेजरेबल। एवरीथिंग हैज बीन पुट इन प्लेस टू मेक इट यूनिक, ग्रैंड एंड रिमार्केबल। फ्यू सेकेंड्स अगो वी सॉ दैट ऑन द वॉल्स ऑफ द धाम देयर आर डिपिक्शंस of episodes from Indian mythology and Puranas. It also tells the glorious history of the city and the temple to inform the present as well as the future generation about the glorious cultural, spiritual and historical richness of India. Everything has been put in place to make it unique, grand and remarkable. There are various kinds of valuable stones that have been brought from different places to decorate and deck the premise of Kashi Vishwanath Dham. Sandstones, red sandstones, Baleshwar stones, Makrana marbles and Kota granites have been used in building the structure and decorating it. ये जो आप दृश्य इस वक्त देख रहे हैं वो वास्तव में अगर मैं कह पाऊं और उसको एक शब्द दे पाऊं कि ये दृश्य जो है वो स्वयं भारत है, तो शायद वो गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत शब्द ही अपने आप में एक ऐसी धारा की ओर इंगित करता है जो स्वयं ज्ञान की धारा है। भारत जहां सभी ज्ञान में रत रहते हैं, आसपास की अटारियों से, अट्टालिकाओं से छोटे छोटे ऋषि कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए उत्सुक। भारत माता की तस्वीर, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, बगल में ही आदि शंकर की मूर्ति, ये सब प्रतीक भले ही हों लेकिन ये प्रतीक आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। वो लक्ष्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, वो स्वयंभू लिंग जिसके शिखर दर्शन करने मात्र से आपको लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अगर आप स्वयं धाम में नहीं पहुंच पाए तो कहते हैं अगर आप केवल मंदिर का शिखर दर्शन ही कर लें तो आपको संपूर्ण फल
बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मिलेगा। ऐसा में काशी खंड स्कंद पुराण के में वर्णित उन श्लोकों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जितने लोग भी इस वक्त इस भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है। और ये तपस्या की भूमि, ये समर्पण की भूमि, ये त्याग की भूमि, जहाँ पर मनुष्य नहीं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंगम प्राणी हैं, यहाँ पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं वो सब कुछ मोक्षदायिनी हो जाता है। और इसीलिए इस नए कलेवर में ये जो नवनिर्माण हुआ है उसके साक्षी बनते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं ललिता घाट के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक, और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है, और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पर उसका आशीर्वाद लिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहां पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना, और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है, जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, माँ गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई, इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहाँ पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है, वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बरबर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। माँ गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, माँ गंगा की गोद में स्नान करते हुए, माँ गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए, समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं, और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जल जल जलाभिषेक करना, और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना,
वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से, अनेक हुतात्माओं को जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। इट इज इंडीड अ हिस्टोरिक मोमेंट एंड वी आर फॉर्चुनेट टू विटनेस दिस डे। इन द विजुअल्स वी कैन सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग होली डिप इन होली रिवर गैंजेस एंड ऑफरिंग हिज प्रेयर टू माँ गंगा एंड फॉलोइंग द स्पिरिचुअल रिचुअल्स बिफोर रीचिंग द श्राइन ऑफ बाबा विश्वनाथ। और ये अपने आप में तस्वीरें, अपने आप में ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए और यहां से वो मां गंगा की गोद में है। निश्चित तौर से वो मां गंगा जिनके बारे में उन्होंने कहा था साल 2014 में, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। निश्चित तौर से उस गंगा के आह्वान पर जिसको निर्मल करने के लिए, वो खुद को निर्मल होने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज वो मां गंगा निर्मल है, अविरल है, साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और तभी वहां कोई भी जाके श्रद्धा की आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पर जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल अर्पण करना अपने आप में, ये तमाम प्रकार के जो काम है ये एक शक्ति को संचारित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, माँ गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियाँ, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है, तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीज़ों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, माँ गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए। हर रूपाम सेंदु कोटीर चूड़ाम कलित सित दुकुलाम जानवीताम नमामि। माँ गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, तीन नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं माँ गंगा के भी तीन नेत्र हैं, उनके दो हाथों में भरे हुए कलश हैं और दो हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं, भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये माँ गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए माँ की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देव नदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर शिरस जटावल्लिमुल्ला सयंतीम स्वरलोकादा पतंतीम कनक गृह गुहगंड शैलास खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरित चय चमूर निर्भरै भर्स्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु। जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं, महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली सुमेरु की गुफा और पर्वत माला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें, इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ माँ गंगा में स्नान, माँ गंगा में जप, और फिर वहाँ से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, माँ गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा, ये अकल्पनीय क्षण है, ये अद्भुत क्षण है।
अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर माँ गंगा की गोद में माँ गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए, ये संकल्प के सिद्धि का समय है, ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिए गए दान में दिए गए शिखरों से ये स्वर्ण शिखर आच्छादित किए गए हैं। ये दिव्य जो बाबा का धाम देख रहे हैं, चारों तरफ ऐसे चार गेट हैं, और ये जो गैलरियां आप देख रहे हैं, ये गलियारे बाबा बाबा विश्वनाथ के धाम के चारों तरफ मुख्य मंदिर परिसर में है। ये मुख्य मंदिर परिसर में नवीन निर्माण है, जहाँ पर संगमरमर के पत्थरों पर स्तुति गान है शिव की, गंगा अवतरण के दृश्य हैं, अनेक ऐसे कथानक हैं जो कि भगवान शिव से संदर्भित हैं। और ये देखें कि किस तरीके से आप ये दृश्य विहंगम दृश्य देख रहे हैं, अद्वितीय दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे धराधाम को सजाया गया है, काशी धाम को सजाया गया है, और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन बालकांड राइट्स, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। विद दिस ग्रेट विजडम एंड स्पिरिट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, आफ्टर टेकिंग द होली डिप इन द सेक्रेड रिवर गैंजेस, Now heads to और ये तस्वीरें एक बार फिर आप लगातार वाराणसी से देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ धाम का वो एक विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताता है कैसे ध्वज पताका लगातार फहरा रही है यहाँ पर इस धाम में, और ये बताती है कैसे सनातन समय से हिंदू धार्मिक मान्यताओं को आज भी उस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम काशी विश्वनाथ में हो रहा है। ये एक साधना स्थली है, साधकों की स्थली है, और ये विहंगम दृश्य इस बात की गवाही देता है, इस बात को पुनर्स्थापित करता है कि ये जो साधना है ये निरंतर है, और ये आज भी, कल भी चल रही थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। और उसी साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तहत एक हिस्सा बनने के लिए आज जो तमाम लोग जुटे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस साधना का एक हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने माँ गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, और उसके बाद में वहां से जल लेकर वो निकले हैं, कलश में उन्होंने जल लिया है, और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे। और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है, जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं, और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों, ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई। हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था, संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी, तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल निर्मल गंगा का को बनाने के लिए, वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जल आज ऐसा है माँ गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं। माँ गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया, और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो। निश्चित तौर से ये बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में, वो वाराणसी में, वो अपने आप में निश्चित तौर से फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देखें तो यहाँ साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास है, ये सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ है। भगवान शंकर का चरण पखारने के लिए त्रिपथगा गंगा साक्षात यहाँ विद्यमान है। यहाँ धर्म और कर्म अभिन्न है, यहाँ पर भवंग भवानी आसन्न है, यहाँ पर शक्ति और भक्ति अनन्य है, और काशी में जीवन और मृत्यु भी धन्य है। मेधा इसका ललाट है,
संस्कार इसकी भाषा है, सरलता जीवन दर्शन है, सहजता वेशभूषा है, प्राचीनता से भी प्राचीन अनंत विभूषित महास्थान है। काशी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट और प्रधान है। ये सनातन संस्कृति की सर्वोच्च भावभूमि आप देख रहे हैं, ये सर्वोच्च भावभूमि है सनातन संस्कृति की, आत्म उत्कर्ष और आत्मोद्धार की ये पवित्र पुण्य भूमि है। व्यष्टि के उत्थान और समष्टि के कल्याण का मंत्र देती है काशी। अनंत अव्यक्त अक्षर और अविनाशी है काशी। ये विद्युत अद्भुत विहंगम दृश्य काशी की महिमा को वर्णित करने के लिए शब्द भी कम पड़ सकते हैं, ये देख रहे हैं। और ये संकल्पना मूर्त रूप साकार हुई है, स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि का ये प्रमाण है। बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है देश के लिए और विश्व के लिए। अजय, आरती जी ने एक जिक्र किया था अश्विनी जी, तुलसीदास जी के उस दोहे का, जिसमें वो कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं वहाँ पर तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, यहाँ जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है उस नाम का उपदेश करते हैं जो आपको तमाम जीवन मरण के चक्र से विनुर्मुक्त कर देता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भगवान शंकर ने स्वयं इस क्षेत्र को आनंदवन का नाम दिया, भगवान पिनाकी शंकर ने इसको आनंद इसलिए किया कहा क्योंकि ये जो काशी क्षेत्र है वो अपने आप में मोक्ष स्वरूप ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वृंदावन जैसे धाम में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये वर्णित है काशीखंड में कि भगवान शिव केवल मोक्ष नहीं देते, सब कुछ देते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे वो मोक्ष देते हैं, जो मोक्ष नहीं चाहता उसे वो इष्ट देते हैं। अपने इष्ट की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, जो कुछ भी अगर आप चाहें आप इस आनंदवन में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे स्वयं भगवान पिनाकी ने इसे अपना नाम दिया। इस पूरे वन में जितने भी शिवलिंग हैं, यहाँ तक कि जितने भी कंकड़ हैं, उसको शिव स्वरूप कहा गया है। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि ये पूरा का पूरा जो काशीखंड है, ये पूरा का पूरा काशीखंड इस पृथ्वी के भूभाग से अलग है, क्योंकि भगवान शिव और उनकी शक्ति शिवा। अब आप ये स्पष्ट तौर पर जो आरती जी ने तुलसी मान भगवान तुलसी का जो जिक्र किया और उनके चौपाई का जो जिक्र किया, स्पष्ट तौर पर शुरुआत में ही भगवान रामचरितमानस के शुरुआत में ही अश्विनी जी वो शिव और शिवा की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज की धरती पर याज्ञवल्क और भारद्वाज जी के बीच में जो रामायण को लेकर के प्रश्न पूछे गए, जब उन्होंने राम कथा पूछी भारद्वाज मुनि से याज्ञवल्क जी ने, तो उन्होंने उनको शिव कथा सुनाई। शिव कथा से शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझना आपके लिए संभव ही नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित भगवान सुखदेव से कृष्ण कथा पूछते हैं तो पहले भगवान सुखदेव उनको राम कथा सुनाते हैं। जब तक आप राम को नहीं समझेंगे, जब तक आप राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगाएंगे, आपको योगेश्वर कृष्ण समझ में आ ही नहीं सकते। जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे राम तक आपकी गति हो ही नहीं सकती। और उसी तारक ब्रह्म, उसी शब्द जिसका उपदेश भगवान शिव यहाँ पर मरने वालों के कान में कहते हैं, वो शब्द ही है राम या फिर प्रणव, ओम। इसी का नाद वो कान में कहते हैं जा करके, और माँ भवानी स्वयं पंखा करती हैं यहाँ पे जो मरण होता है उसका, इतनी महिमा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अद्भुत दृश्य है, अद्वितीय दृश्य है सच में। निश्चित तौर से अजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुक्ति के लिए मंत्र देते हैं भगवान शिव, यहाँ मरणम मंगलम यत्र विमूर्तिम यत्र भूषणम कौशेयम यत्र काशायम सा काशी किम सेव्यते। यहाँ पर मरना भी धन्य माना जाता है, जीवन गुजारना यहाँ पर तो अद्वितीय है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की ये नगरी हर तरीके से, ये धर्म कर्म और आध्यात्म का यहाँ पर संगम है,
साहित्य कला संगीत का यहाँ पर संगम है, सनातन संस्कृति का ये सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ तो है ही, साथ ही साथ ये स्पष्ट तरीके से पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सभ्यता से भी प्राचीन, इतिहास से भी प्राचीन, मानव संस्कृति से भी प्राचीन ये नगर है। क्योंकि भगवान शिव ने सर्वप्रिय नगर के रूप में हिमालय के बाद अगर कहीं पर साक्षात माँ पार्वती के साथ वास किया तो यहीं काशी में उन्होंने वास किया, और काशी को ये गौरव प्राप्त है। और काशी के गौरव में, काशी की गरिमा में, काशी की महिमा में आज एक और स्वर्ण जड़ित, काशी के मुकुट में एक स्वर्ण जड़ित रत्न जैसा लग रहा है काशी का ये धाम, भगवान के धाम का ये पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ गंगा से भगवान विश्वनाथ के बीच के सारे अवरोधों को हटा दिया गया है। सनातन संस्कृति बेहद विशिष्ट है, इसको अगर देखें तो हमने ही पूरी दुनिया को, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, अजय, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। हमने सामगान किया तब जब पश्चिम की पूरी सभ्यता केवल वन फल खाकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाती थी, वन और कंदराओं में रहती थी, सभ्यता के लिए उसने नगर नहीं बसाए थे, तब भारत के इन्हीं तटों पर, गंगा के इन्हीं तटों पर वेद की ऋचाओं का को लिखा गया, सामगान का ध्वनि यहाँ से पूरी दुनिया ने सुना। और इसी को अगर कहा जाए तो ये स्पष्ट है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने को कर सकता जगती सौरभमय। ये सनातन संस्कृति है जिसने विश्व को सभ्यता का, संस्कृति का, संस्कार का, धर्म का, आचार का, व्यवहार का, मर्यादा का मंत्र दिया, और उन्हीं मंत्रों पर पूरी दुनिया आरूढ़ है। हम ही ने उद्घोष किया वसुधैव कुटुंबकम। अजय, आरती। बिल्कुल सही कहा अश्विनी आपने। और अभी जब मैं विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की मंदिर, उनके धाम और उनके प्रांगण का अवलोकन कर रही थी तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि संभवतः पहली बार ये अवसर मुझे मिला है कि पूरी मंदिर परिसर की संपूर्णता में मुझे इस प्रकार से उसको मैं देख सकूं, उसका दर्शन कर सकूं। और जो पिछले वर्षों में, कुछ दशकों में आसपास जिस तरह का जो हम कंजेशन कहें, जो भीड़ भाड़ और जो अतिक्रमण की स्थिति थी, उससे कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो हमारी नज़रों से ओझल होता जा रहा था। तो निसंदेह ये एक अद्भुत कार्य है इस दिशा में। और मुझे मंदिर को देखते हुए ये भी ख्याल आया कि मैं जिक्र करूं कि मंदिर के भीतर एक कूप है जिसे ज्ञान वापी कहते हैं, और उसे विजडम ऑफ वेल, वो ज्ञान का कूप है। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य मैंने मेरी जानकारी में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा की इस मंदिर को नष्ट करने के लिए समय समय पर आक्रमण हुए, और एक बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य हमारे पुरोहित थे उन्होंने बाबा का ये जो ज्योतिर्लिंग, जो कि सातवां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, उसे बचाने के लिए स्वयं उसके साथ मंदिर में कूद गए। और मुझे लगता है कि उसके बाद से अब तक भी बाबा का जो ज्योतिर्लिंग, जो लिंग है, वो उसी स्थान पर पूजित होता है। तो देख सकते हैं हम जिस तरीके से विजुअल्स में हमें दिखाई दे रहा है मंदिर का शिखर, और एक अद्भुत सी ऊर्जा का प्रवाह होता है हमारे मन मानस में जब हम उसे देखते हैं। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए, जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त का शिखर से होते हुए भगवान सूर्य की किरणें उस स्वर्णमय शिखर पर जब आप अपने चक्षुओं से देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, तो एक ही शब्द इसके लिए इस वक्त जो मेरे मन में आ रहा है वो है आनंद। बार बार भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आनंद कानंद है, आनंद वन है। इस वन में जितने भी लिंग हैं, समस्त लिंग हैं, वो आनंद के बीजों के अंकुर हैं। ये जो शिवलिंग हमें दिखाई देते हैं, जिसका हम दर्शन करते हैं पूरी काशी में, असंख्य शिवलिंग, यहाँ के कंकड़ कंकड़ हम बार बार कह रहे हैं कि शंकर का ही स्वरूप हैं, उनको आनंद का बीज कहा गया है। और जब शिवा और शिव
शिव अपनी शक्ति के साथ इस भूखंड पर, जिसका निर्माण उन्होंने सबसे पहले किया इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले, उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी को ऐसा बनाया जाए जिसके ऊपर हम सारा कार्यभार छोड़ करके केवल लोगों को मोक्ष प्रदान करने का कार्य करें। इतना प्रिय है माँ भगवती शिवा और शिव को स्वच्छंद रूप से काशी में मरने वालों को मोक्ष देना कि वो अपने संपूर्ण कार्यों को किसी के ऊपर छोड़ना चाहते स्वच्छंद होने के लिए। उसके बाद भगवान श्री शिव अपने वाम अंग पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और वहां से पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने, आप जो दृश्य देख रहे थे ललिता घाट, उसके ठीक साथ में मणिकर्णिका घाट, जो कि बाद में मणिकर्णिका घाट पड़ा, जब भगवान ने नारायण को उत्पन्न किया तो भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से वहां पर पुष्करणी, या कि जिसको हम पोखरी कहते हैं, और असंख्य पोखरियां इस पूरे काशी खंड में विद्यमान है, पूरे काशी के क्षेत्र में। और पोखरी इतनी महत्व की है कि कोई भी यज्ञ बिना पोखरी के जल के संपूर्ण हो नहीं सकता, आप ये समझें। और स्वयं श्री हरि ने अपने चक्र से इस पुष्करणी का निर्माण किया, इसीलिए इसको चक्र पुष्करणी कहते हैं। और चक्र पुष्करणी के निर्माण के बाद उन्होंने स्वयं अपने अंग से जल को निर्गत किया और उस पोखरी को भर दिया, पुष्करणी को भर दिया, और उसी के तट पर उन्होंने फिर भगवान शिव की 50,000 वर्षों तक तपस्या की। शुरुआत आप देखिए, शुरुआत से ही जो हमें संकेत मानव जाति को मिलते हैं स्पष्ट तौर पर, ये मिलते हैं कि एक तो शिव और शिवा के रूप में आपको जगत के कल्याण के लिए अपने आप को खपा देना है, और उसके बाद जब भगवान श्री नारायण यहाँ पर उत्पन्न हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो है उग्र तपस्या। 50,000 वर्षों तक इतनी भीषण भगवान श्री हरि नारायण ने तपस्या की कि भगवान शंकर का मस्तक हिल गया। और जब उन्होंने अपने ललाट को थोड़ा सा हिलाया तो कहते हैं कि वहां पर उनके एक कान का सर्प रूपी मणि गिर गया। और इसीलिए जो पहले चक्र पुष्करणी 50,000 वर्षों के पहले जो क्षेत्र चक्र पुष्करणी था, उसको बाद में मणिकर्णिका कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान के कान से, उस ललाट के स्वेदन से जो कर्णिका गिरी, उससे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद भगवान शिव बार बार विष्णु से कहते हैं कि मैं आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। अब मैं उसी वरदान का आपको एक थोड़ा सा जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। भगवान श्रीहर विष्णु ने फिर से जो वरदान मांगा वो देखिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए मांगा, जिसका संदेश ही भारत यानी ज्ञान में रत इस धरा से पूरे विश्व को जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का जिसका जिक्र अश्विनी जी ने किया था। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो कुछ भी जंतु संज्ञक है सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी जंतु हैं, काश्यस्त्र यतो ज्योतिष तदनाख्ये ममीश्वरम अतो नामा परम चास्तु काशीति प्रक्षित विभो, जो कुछ भी जस्तु संज्ञक है प्रभु भगवान शिव, वो सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे। हे सदाशिव, जैसे आपसे मंगल और कुछ भी नहीं है, आप सबसे अधिक मंगल हैं, वैसे ही पूरे विश्व में इस आनंदवन जैसा क्षेत्र और कहीं हो ही नहीं। ये स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान शिव से वरदान के रूप में मांग लिया। स्वयं शिव ने वरदान के रूप में तथास्तु कह, ऐसा ही हो कह करके उन्हें वरदान दिया। स्पष्ट तौर पर जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं वो इस तथ्य पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आनंदवन जैसा क्षेत्र और कहीं है ही नहीं। और ये तथ्य आपको काशी में आकर के ही समझ में आएगा कि शशक मशक कीट पतंग तुरग उरग पंचकोशी काशी में जो कुछ भी मरते हैं उस सभी निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यही काशी की मुक्तिदायिनी प्रकृति है। काशी नाम से ही पाप क्षय हो जाता है। अगर आप हम सभी के साथ में केवल काशी 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 इस नाम का मात्र उच्चारण भी करते हैं तो आपके पाप क्षय हो जाते हैं। और फिर तो यहाँ पर ब्रह्मद्रव के रूप में माँ गंगा विद्यमान है। जो प्राणी माँ गंगा से जलाभिषेक करता है भगवान श्री विश्वनाथ का, उसके पुण्य का लाभ सोचिए।
उनके 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 पुण्य का लाभ सोचिए कि कितना कितने गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु ने फिर से वरदान स्वरूप मांगा कि जो काशीवासी सज्जनों के लिए ये काशी में रहना सत्य युग के समान हो जाए। अब आप समझें कि यहाँ पर इस वक्त हम भले ही कलयुग में निवास कर रहे हों, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के प्रभाव से जो सज्जन काशी वास करते हैं वो सत्ययुग, वो सदा सत्ययुग में हो जाते हैं। यहाँ पर समय कभी भी दक्षिणायन नहीं होता है, माँ उत्तरायण है। यहाँ स्वयं काल उत्तरायण हो जाते हैं, क्योंकि कालों के भी महाकाल भगवान श्री भैरव, कालों के भी महाकाल यहाँ के अधिपति हैं, यहाँ के कोतवाल हैं। जहाँ पर थोड़ी देर पहले साक्षात महादेव, जहाँ पर थोड़ी देर पहले आपने इसी दूरदर्शन के माध्यम से आरती के दर्शन किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की, क्योंकि कहते हैं कि काशी में जो कोतवाल साहब हैं उनसे पूछे बिना कोई काम होता नहीं है, और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत हुई जो इस वक्त माँ गंगा में अवगाहन के बाद वस्त्र परिवर्तन के रूप में शायद इस वक्त थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, लेकिन वो प्रतीक्षा आपके लिए कितना बड़ा आनंद लेकर के आ रहा है इन दृश्यों के रूप में, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। आप इसका जरूर लाभ उठाएं, ये आप सभी से विनती है। अश्विनी जी, एकदम सही कहा अजय आपने, और इस समय बाबा के धाम का आप स्वर्ण शिखर देख रहे हैं। सनातन संस्कृति के इस दिव्य स्तंभ के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था अजय। ये स्वर्ण शिखर और ये स्वर्णिम आभा, इस समय सूर्य साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं, संपूर्ण कोट के निश्चित तौर से देश के दुनिया के लोग इसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन काशी में निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि समूचा देवाधिपत के इस दरबार में समस्त देव भी मौजूद हैं, और ये स्वर्णिम आभा उन्हीं आभा को स्पष्ट करती है कि किस तरीके से आज बाबा के धाम के लोकार्पण विश्वार्पण के लिए भगवान शंकर के धाम में सूर्य समेत जितने देव गण, शंकर भगवान का के जितने सेवक, शंकर के अनन्य साधक, और साथ ही साथ समस्त योग योगिनियां, समस्त देव नर मुनि गंधर्व संत समाज साधक मानव, हर कोई यहाँ पर मौजूद है, मूर्त रूप में भी, अमूर्त रूप में भी, साक्षात रूप में भी। एक सिर्फ लाइन कह दूं जी, आपने स्वर्ण शिखर का कहा, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वयं स्वर्ण ही हूँ। तो मुझे लगता है भगवान सूर्य नारायण उस स्वर्ण के रूप में आप भगवान नारायण के दर्शन कर रहे हैं, और स्वयं विश्वेश्वर के लिंग के शिखर के रूप में आप भगवान महादेव का दर्शन कर रहे हैं निश्चित तौर से। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरा भगवान शिव का दरबार सजा हुआ लग रहा है। भगवान शिव यहाँ अकेले नहीं है, भगवान शिव यहाँ माता अन्नपूर्णा के साथ, माता पार्वती के साथ वामांग में उनको रखते हैं, भगवान शिव के गणपति यहाँ पर हैं। जब इन क्षेत्रों का जो जीर्णोद्धार होने के लिए यहाँ से 350-400 के आसपास जो भवन थे उनको हटाया गया, तो अनेक विग्रह निकले, उन विग्रहों को इस मंदिर परिसर में अनेक जगहों पर रखा गया, और आप देखें गंगा जल हाथ में लेकर माँ गंगा में स्नान करके, माँ गंगा का अवगाहन करके, माँ गंगा का पूजन करके, सनातन संस्कृति की समस्त परंपराओं को के संवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के धर्म ध्वजा वाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के और भारत और भारतीयता के प्रकाश स्तंभ को सजोए हुए, माँ गंगा को अपने हाथ में सजोए हुए गंगा जल लेकर इस समय गंगा पुत्र सनातन संस्कृति के संवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो रहे हैं बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर। बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करेंगे, गंगा में स्नान और गंगा जल का जलार्पण, इससे बड़ा पुण्य का काम और इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी पूजा कुछ संभव नहीं हो सकती। और काल कालांतर में ये बाधित हो रही थी, माँ गंगा और शिव के धाम के बीच में प्रकारांतर में अनेक जो भवन बने थे सदियों से वो थे, लेकिन वो अब सारे अवरोध स्वेच्छया। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा अजय कि 350-400 से ज़्यादा जो मकान हटाए गए बगैर किसी मुकदमेबाजी के, बगैर किसी लिटिगेशन के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के, लोगों ने स्वेच्छया, लोगों से वो क्रय किया गया न्यास द्वारा, और लोगों ने माँ गंगा और भगवान शिव के मिलन के रूप में उन्होंने इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दी, उन्होंने इस महायज्ञ में अपना भी योग किया, इस महायज्ञ में उन्होंने अपना भी अंशदान किया, और वो संकल्पना आज साकार होती दिख रही है। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय में गंगा समाए, हृदय में गंगा जल समेटे, भारत भारतीयता के तरफ से, संपूर्ण देश की तरफ से भगवान को गंगा जल जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। अजय,
माँ गंगा का आपने जिक्र किया, माँ गंगा के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, स्वयं ब्रह्मद्रव के रूप में भगवान श्री नारायण, निराकार नारायण जब निराकार होते हैं तो भगवान राम कृष्ण और शिव के रूप में उद्भूत होते हैं, और वही निराकार नारायण निराकार हो जाते हैं तो ब्रह्मद्रव माँ गंगा के रूप में। यथा गौरी तथा गंगा तस्मात् गौर्यास्तु पूजने यो विधिर्विहितं सम्यक् सोपि गंगा प्रपूजने। गंगा माँ की पूजा कैसे करें? भगवान शिव ने कहा जैसी माँ गौरी हैं वही माँ गौरा गंगा हैं, जिस तरह से आप माँ गौरी की पूजा करते हैं वैसे ही माँ गंगा की पूजा करनी है। और भगवान शंकर के जलाभिषेक से पहले माँ गंगा का पूजन तो बनता ही है, जो जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद भगवान शिव ये कहते हैं यथा हम त्वम तथा विष्णु, यथा त्वम तु तथा उमा, उमा यथा तथा गंगा चतुरूपम न भिदते। हे विष्णु जैसा मैं हूं वैसे ही तुम, हे विष्णु जैसे तुम हो वैसे ही गौरी हैं, जैसी गौरी हैं वैसे ही गंगा हैं, और चारों में कोई भेद नहीं है। भगवान श्रीहरि में, भगवान श्रीहर में, माँ गौरी में और माँ गंगा में कोई भेद ही नहीं है, ऐसा भगवान शिव स्वयं भगवान श्री विष्णु से कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो रुद्र और विष्णु में, जो लक्ष्मी और पार्वती में, जो गंगा में और गौरी में भेद करता है वो मूढ़ बुद्धि वाला है। विष्णु रुद्रांतरे चैव श्री गौर्योंतरम तथा गंगा गौर्यांतरम चैव यो भूते मूढ़धीस्तु सह। और इसीलिए कहते हैं कि माँ गंगा रजत कलश में माँ गंगा को समेटे, अपने हाथ में लेके अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के मस्तक पर उस गंगा को समर्पित करने के लिए, जो स्वयं भगवान श्री हरिनारायण के जब वामन अवतार में वो जब ब्रह्म के लोक में पहुंची तब उनके पैर के नाखून से वही ब्रह्मदेव जो गंगा के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भगवान श्री हरि ब्रह्मा ने कमंडल में रखा, और उसके बाद वो भागीरथ प्रयास के बाद माँ गंगा भगवान शिव के शिखाओं में होती हुई फिर माँ भारत की धरा को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। और इन दृश्यों में आप भारत को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कार को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कृति को देख सकते हैं। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज
काशी विश्वनाथ गंगे। ये तस्वीरें आप काशी विश्वनाथ धाम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मां गंगा में जाकर पवित्र आस्था की डुबकी लगाई, जल भरा और अब जलाभिषेक के लिए बाबा विश्वनाथ धाम में पहुंचे हैं। और ये विश्वनाथ धाम को वो खुद भी निहार रहे हैं। तो जाय रे हो महादेवा तेरा डमरू डमडम डम डम बजी तो जाय रे हो।
तो ये तस्वीरें विहंगम दृश्य काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक, काशी के सांसद पहुंचे हैं अपनी आस्था के साथ में। और निश्चित तौर से एक बड़ा दिन, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। वहां से जल को उन्होंने लिया है, माता गंगा से उन्होंने जल लिया अपने, और उसके बाद में जलाभिषेक के लिए बाबा के धाम पहुंचे हैं। और ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हे, अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें। और यहाँ पर तमाम जो पूजा अर्चना कर लिए मौजूद हैं, जो आचार्य लोग, उनके साथ में प्रधानमंत्री मौजूद हैं पूरी आस्था के साथ में, यहाँ मंत्रोच्चार के साथ में। ये मानसिक सांसर्गिक पातक याता ज्ञात
दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सुप्रसन्नार्थम विशेषता श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण अवसरे अद्य यथाविधि भगवता श्री विश्वेश्वरस्य सांब सदाशिवस्य यथोपचारैः पूजनं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं मुद्गद्विभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि त्वं वैष्णवे शक्तिरनन्दविनया विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् संवरि प्रसन्ना भूरिमुक्तिहेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्याये नित्यं महेशं ज्वलांगं परसुमृगपराधीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्फुटमरकणैर्व्याघ्रगृध्यं गसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रमौ नमस्ते रुद्रमन्यवौतौ दैवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवातनूरघोरापापकाशिनी दयान सर्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसेहेयामुखियवानार्थे रक्तसिंहासनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि ॐ जामि भुङ्गिरिशन्तहस्ते विभगकले शिवाङ्गिरिप्रदां कुरु माहि पुंसेः पुरुघं जगदा शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः सुमना असोचदेवता प्रथमो दैव्यो विगग अहिंज सर्वाञ्जं भयं सर्वाचरात् धान्यो जराचीः परा सुभा असौ जस्ताम्रो अरुणौ तव ब्रुहु सुमङ्गलः चैन गोरुद्र अभितो दिशुषिताः सहस्रसो वैघा गुहेणै एतानि पाद्यार्घ्यात्मनि हस्तानि अपुनरात्मनि समर्पयामि पयापि दिव्यां पयो गरीपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मयां मां काशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः पयस्थानं समर्पयामि पयस्थानान्ते सुधोदकस्थानं समर्पयामि सुधोदकस्थानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ॐ दधिग्रावणो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा कर्ण प्रण आयु समर्पयामि ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निघृते घृतं वस्य धामा अनुपधमा वहमादय स्वसा घृतं घृतवक्षिहव्यां मा मधुपादारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माघ्रीर्णः सन्तोखजी मधुनतमुतो फसो मधुमत्पार्थिवद्भूरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सोजः माद्वीर्गावो भवन्तु नः अपागुणसमुपयसकुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं अपागुणसस्य यो रसस्तम्भो गृणामुतममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय त्वा जुष्टं गृणां मे दधेजो निरेन्द्राय त्वा जुष्टतमं मा विजयन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाण सुनाते अगुंसुः पृच्छतं परुखा परुः गन्धतेषु मम वतु मदाय रसो अच्युतः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः पयस्थानं दधिस्थानं घृतस्थानं मधुस्थानं शर्करास्थानं पञ्चामृतस्थानं फलोदकस्थानं गन्धोदकस्थानं च समर्पयामि ॐ शुद्धावालाः सर्वशुद्धावालो
वस्त्रं यज्ञोपवीतं च समर्पयामि प्रामुं च धन्वाद स्वामु आयो राज्योर्जाम्मा जाच्चते हस्तैकवः पराता भगवो पपाक्वाङ्गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहपते त्वामो गधे सोमो राजा कृतवान् खण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धार्यं सुमनोहरं लेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्य रां कस्तूरी तिलकं कपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपत्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणेयायुखं जमर्गे कश्यपस्यत्रायुखं मा जगद्देवे पुत्रायुखं तान्नो अस्तुद्यायुखं मा श्रीसाम्ब सदाशिवाय काशी विश्वेश्वराय नमः अस्मान्लेपनं समर्पयामि व्रीहायश्च मे द्रवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे रावश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे असूराश्च मे जतेन कर्मन्ताम् मिथ्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान् अनेशन्नस्य या इखव आभूरस्य निखङ्गति माल्यादीनि सुगन्धीनि वाद्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम् श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः नानाविधपुष्पमालाः समर्पयामि मन्दारमालां गुणगानपालै कपालमालां चितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय साम्ब सदाशिवाय नमः नानाविधपुष्पमालाः समर्पयामि अहि भोगैः पर्येति बाहुञ्ज्यायतिं परिबाधमानः हस्तगनो विश्वा वायुना निर्भिदवा उमानुमा पुंसं परिपातु विश्वातैवेद्यं पुरः संस्थाप्य ॐ अग्निर्देवता पातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता
सकलीकरणं पुष्पैरेवाभिनन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं हारार्थिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं वीरमवेतं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाते श्रीमहादेव शम्भो सानन्दमानन्द वरेण सनन्दम् आनन्दकन्दम् हर पाप वृन्दम् तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री शिव शंकर के
भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक संपन्न हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बेहद अलौकिक ये क्षण है इस लिहाज से भी कि इस जीर्ण शीर्ण भगवान भोलेनाथ का कि इस मंदिर का इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार हुआ है और उसको आज लोकार्पित किया जाएगा आम लोगों के लिए। तमाम सनातनी भक्त पूरे विश्व में इसको लेकर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, उल्लसित हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक संपन्न हुआ है और वो अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़े हैं। और यहां पर एक वृक्ष का रोपण करते हुए किसी भी अलौकिक कार्य के बाद वृक्ष का रोपण, पौधे का रोपण, इसका एक विशेष महात्म्य है, एक महिमा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रांगण में इस वृक्ष का रोपण करते हुए ये पौधा रोपण अपने आप में इसका विशेष महात्म्य है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम के श्री चरणों में पूजा अर्चना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद ये पौधारोपण संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य, किस तरह से ये मंदिर का अलौकिक रूप किस तरह से निखर कर आया है, इसका दिव्य और भव्य रूप इस मंदिर का। जिसने पहले कभी इस मंदिर के दर्शन किए होंगे, तमाम आस्थावान सनातनी लोग इस भगवान श्री भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक अपने कर कमलों से किया और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश वृक्षारोपण के जरिए, जीवनदायिनी प्राणवायु को उत्सर्जित करने वाली वनस्पति जिसे देवी के रूप में भी पूजित किया जाता है, यहाँ के धर्माचार्य अपनी भेंट स्वरूप कुछ उपहार प्रधानमंत्री को प्रदान करते हुए, और वो क्षण जिसके लिए देश भर से आए 3000 से ज़्यादा संत और संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व प्रतीक्षा कर रहा है लोकार्पण की, उन अद्भुत दृश्यों का साक्षी बनने के लिए। अश्विनी, विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए, नवनिर्माण पुनर्विस्तार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो चुके हैं। देखिए कितना विहंगम दृश्य है, इस तरीके से चार बड़े द्वार हैं, लोकार्पण हो चुका है, पदार्पण हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहाँ पर वो देश भर से आए हुए संतों से वो संवाद करेंगे। साथ ही साथ बेहद विशिष्ट ये क्षण है समूचे देश के लिए, क्योंकि इसी क्षण का इंतजार, इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का की आवश्यकता राष्ट्र को थी, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वरूप में इस समय ये दृश्य हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो श्रम साधक हैं, आदि योगी के जो श्रम साधक हैं, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने श्रम का दान किया है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने पुरुषार्थ का दान किया है, जिनके अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी, देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर। अद्भुत क्षण, समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रम का सम्मान कर रहे हैं, जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है, निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है। और इस महायज्ञ में अपने जीवन के, अपने महत्व के, अपने
पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में संविधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ, क्या नाम है, क्या किया आपने। ये जो सहजता है प्रधानमंत्री की जननायक बना देती है। मुझे प्रयागराज का दृश्य याद आ रहा है, जब उन्होंने पांव पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का, और स्वच्छता स्वच्छाग्रहियों का उन्होंने पांव पखारा। उसी तरीके से जिस तरीके से उनके श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं। और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। आप श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगी कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं अपने महानायक, अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिलके, और उनके द्वारा स्वयं एक तरह से प्रोत्साहित होकर के। और पुष्प वर्षा तो देवता भी करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कुर्सी हटाकर आसन हटाकर उनके बीच बैठे कर रहे हैं। और ले आइए अपने, और ये परंपरा है अजय, ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है, और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता। हाँ, है बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपना अपना अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष, श्रमजीवियों का सम्मान, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। अजय, ये यही प्रधानमंत्री की अदा सबको कनेक्ट कर देती है, जो अपना नहीं उसको भी अपना बना लेती है। आंखों में देखिए, दृष्टि है ये, अंतर्दृष्टि है ये, दूर दृष्टि है ये, सहजता से हृदय को छू लेने की प्रवृत्ति है ये, सरलता सहजता सब में सुलभ नहीं होती। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन, कोविड की दो दो चुनौतियों के बीच भी हर दिन काम चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना, उनको प्राथमिकता देना, और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का, अद्भुत विलक्षण। संतों से अनुरोध है, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब मैं हम सब की भावनाओं को स्वर देने के लिए आमंत्रित कर रही हूं धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को, कि वो आए और अतिथियों का स्वागत करें। हर हर महादेव, आज इस ऐतिहासिक पल के संकल्पकर्ता, रचनाकर्ता, इस सोच को विकसित करने के लिए संकल्प लेकर के श्री विश्वनाथ धाम के परिकल्पना करने वाले, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के आदरणीय सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, पूज्य संतगण, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए विशिष्ट जन, आज ऐतिहासिक पल है, यह गौरव का पल हजारों साल से, हजार साल से प्रतीक्षित था। पूरी देश की जनता, प्रत्येक शिवभक्त तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, माँ गंगा भी प्रतीक्षा कर रही थी अपने आराध्य प्रभु शिव से सीधे साक्षात्कार करने के लिए। इस अवसर पर पूरे देशवासी, पूरे काशीवासी, सभी लोग
एक ही स्वर से एक ही बात निकालते हैं कि युग पुरुष आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतगण का मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विशिष्ट जनों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और आप सब तालियों के माध्यम से उससे जुड़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि शॉल भेंट करके अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन तक पहुँचाएंगे, साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान करके उनका अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। नमामेश मेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी विश्वनाथ धाम के आज के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय जन नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोने कोने से आज के समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। माँ गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशीवासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा। जब माँ गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी। और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है।
और काशीवासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है, और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता कौनगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय महत योगदान दिया था, महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया, ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा, आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं, पूरा काशीवासी देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है, और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और यह हम सबका सौभाग्य है बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य के काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है, और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम के इस भाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते रहें, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, पूज्य संतों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी यहां पर समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री काशी विश्वनाथ धाम कैसा है, इसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। आदि अनादि अनंत अपार, मुझ में व्यक्त सकल संसार, मुझ में व्यक्त सकल
सकल संसार जटा गंगा गल मुंड कपाल जटा गंगा गल मुंड कपाल घोर गोरी महाकाल सकल भुवन त्रिलोक प्रकाश नित्य चिरंतन नगरी राजा विश्वनाथ हूँ मसानवासी मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी चिर प्रकाश का नूतन विस्तार आलोकित भया संसार इस वैभव का देख प्रसाद करे विरोही हाहाकार तुच्छ असुर धर्म विरोधी अज्ञानी सत्य विरोधी सनातन पर प्रहार हुआ कुछ पल को अंधकार हुआ त्रिलोकों से उठी हुंकार तोहरे भक्तों की यही पुकार जागा जागा हे मसान वासी सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी फिर मैं कर दया में जागा नव सृजन फिर करने लागा सत्य का फिर परचम लहराया स्वर्ण युग को फिर वापस लाया स्वर्ण युग को फिर वापस लाया स्वर्ण युग को फिर वापस लाया काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी। काशी का सबसे प्रमुख केंद्र है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं। 12वीं शताब्दी में जब सनातन संस्कृति का सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था तब सर्वप्रथम कुछ आततायियों की कुदृष्टि काशी पर पड़ी और काल के वज्र को स्वयं महाकाल को भी झेलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति को अखंड बनाए रखा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, जिन्होंने 1777 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा विश्वनाथ पुनः पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्षित करने लगे। समय के साथ श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पड़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में छिपते चले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए तो इस क्षेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने वक्तव्य में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने परिश्रम की पराकाष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी के सर्वांगीण सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की अभूतपूर्व यात्रा प्रारंभ की। प्राचीन काल में माँ गंगा से जल भरकर सीधे बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने की परंपरा थी, जो कालांतर में अनियोजित निर्माण के कारण अवरुद्ध हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हुए माँ गंगा को बाबा काशी विश्वनाथ से पुनः मिलाने का संकल्प लिया। जब मैं राजनीति में नहीं था
तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। जब ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब ही मुझे समझाया तो एक कागज निकाल के उन्होंने अपनी पेन से पहले ड्राइंग बनाया। बोले गंगा से होते हुए चढ़ के पिलग्रिम्स ऊपर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। परंतु सामने थी चुनौतियों की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था 1000 से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानांतरण के लिए सम्मान पूर्वक सहमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी के बीच जर्जर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्माण कराना। ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजना को अवरोधों और मुकदमों से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने संवाद और समन्वय का अद्भुत मंत्र दिया। उनकी इस दूरदृष्टि से बाबा का धाम तेजी से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने जीवन में एक बार काशी और माँ गंगा के दर्शन और स्नान करने का अवसर न अपने मन में समेटे हुए हो। उस प्रकार की सुविधा देना, उस प्रकार का स्वरूप भी देना है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये संभव हो पाया है। इस जटिल परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उनके मार्गदर्शन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। कोरोना काल में भी वे कार्य की प्रगति का ऑनलाइन अवलोकन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चय अटल था और बाबा विश्वनाथ पर विश्वास अडिग। काशी आते हैं उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा, हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुनः संभव हो गया है। इस भगीरथ प्रयास की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि गत 4 वर्षों की इस पूरी अवधि में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भव्यता और सुंदरता को और भी समृद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम
काशी की अविनाशी परंपरा में नव चेतना का संचार करता है। भारत के इतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके नए स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक उत्सव के साक्षी बने और महान सनातन संस्कृति की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहं शिवोहं चिदानंद काशी के वैभव का विस्तार है श्री काशी विश्वनाथ धाम। इसके नए स्वरूप को आज माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो शिलापट का अनावरण करके भव्य दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को राष्ट्र को समर्पित करें। शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी महेंद्रनाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, यहाँ के मंत्री श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी, देश के हर कोने से आए हुए पूज्य संतगण और मेरे प्यारे काशीवासी, और देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु साथीगण, काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं।
देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय झटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है, जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत हन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा, इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है।
बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है, लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे, जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50-60-70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं, यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था, विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था।
आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युतते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का हो, ये ऊब लइए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। साथियों, बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है। बाबा के गण यानी हमारे सारे काशीवासी, सारे काशीवासी जो खुद महादेव के ही रूप है। जब भी बाबा को अपनी शक्ति अनुभव करानी होती है वो काशीवासियों का माध्यम ही बना देते हैं, फिर काशी करती है और दुनिया देखती है। इदम शिवाय इदम नमः, इदम शिवाय इदम नमः। भाई और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से
मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और इन सब के साथ मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है, कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है, बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी से, काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वारिन हस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है, काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है, काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है, काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों ने भी काशी की महिमा गाते हुए आखिर में क्या कहा, नेति नेति ही कहा है, यानी जो कहा उतना ही नहीं है
उससे भी आगे कितना कुछ है। हमारे शास्त्रों ने कहा है शिवम ज्ञायन इति ब्रूयो, शिव शब्दार्थ चिंतकः, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है, और इसलिए ज्ञान शोध अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है सर्वक्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्वक्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं, और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है दृश्यते स्वर्ग सर्वे है काश्यम विश्वेश्वर तथा, यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है विश्वेश्वम शरणम याया समय बुद्धि प्रदाश्यति, अर्थात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर सम बुद्धि व्याप्त हो जाती है। बनारस वो नगर है जहां से जगतगुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। ये काशी अहिंसा और तप की प्रतिमूर्ति, चार जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य और रामानंद जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु और समर्थ रामगुरु गुरु रामदास के से लेकर स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय तक, कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां प्रेरणा पाई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान जैसी प्रतिभाएं इस स्मरण को कहां तक लेते जाए, कितना कहते जाए, भंडार भरा पड़ा है। जिस तरह काशी अनंत है वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजनीति तो राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है।
आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था, तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। साथियों, बाबा विश्वनाथ मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मण सोना चढ़ाया था, इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी भी काशी आए थे, यहां सत्संग किया था। दूसरे सिख गुरुओं का भी काशी से विशेष रिश्ता रहा था। पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया था। पूरब में बंगाल की रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया। मैसूर और दूसरे दक्षिण भारतीय राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसा शहर है जहां आपको उत्तर, दक्षिण, नेपाली, लगभग हर तरह की शैली के मंदिर दिख जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर इसी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है और अब ये विश्वनाथ धाम परिसर अपने भव्य रूप में इस चेतना को और ऊर्जा देगा। साथियों, दक्षिण भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था, दक्षिण भारत का काशी पर और काशी का दक्षिण भारत पर प्रभाव हम सब भली भांति जानते हैं। एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पयाथेन कदाचनात् वाराणसीम पाप निवारणम आवादी वाणी बलिना सविष्यन विलोक के लीला वासरे विलिप्ता। कन्नड़ भाषा में कहा गया है, यानी जब सदगुरु माध्वाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनाथ पाप का निवारण करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को काशी के वैभव और उसकी महिमा के बारे में भी समझाया। साथियों, सदियों पहले की यह भावना निरंतर चली आ रही है। मां कवि सुब्रमण्यम भारती, काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बदल दी, उन्होंने एक जगह लिखा है, तमिल में लिखा है, काशी नगर पुलवर पेशुम उरई दान कांजी इल के पदर कोर खरुबी सेवोम। यानी काशी नगरी के संत कवि का भाषण कांजीपुर में सुनने का साधन बनाएंगे। काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है। वैसे मैं एक बात और कहूंगा, मेरा पुराना अनुभव है, हमारे घाट पर रहने वाले, नाव चलाने वाले कई बनारसी साथी तो, और आपने भी कभी अनुभव किया होगा, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम इतनी फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं कि लगता है कि कहीं केरला, तमिलनाडु या कर्नाटक तो नहीं आ गए अब, इतना बढ़िया बोलते हैं। साथियों, भारत की हजारों सालों की ऊर्जा ऐसे ही तो सुरक्षित रही है, संरक्षित रही है। जब अलग अलग स्थानों के क्षेत्रों के सूत्र से जुड़ते हैं तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जागृत होता है। इसलिए हमें सौराष्ट्रे सोमनाथम, सौराष्ट्रे सोमनाथम से लेकर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांतीयवंतिका का हर दिन स्मरण करना सिखाया जाता है। हमारे यहां तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के स्मरण का ही फल बताया गया है, तस्य तस्य फल प्राप्ति ही।
भविष्यति न संशयः, यानी सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये संशय इसलिए नहीं है क्योंकि स्मरण के बहाने पूरे भारत का भाव एकजुट हो जाता है, और जब भारत का भाव आ जाए तो संशय कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है। साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रॉप वे बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। भगवान विट्ठल के करोड़ों भक्तों के आशीर्वाद से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। साथियों, केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगुलांबा देवी मंदिर हो
या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती है। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा एक शताब्दी के इंतजार के बाद, 100 साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा, मुफ्त राशन का इंतजाम किया। साथियों, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं। और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन, और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे। कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत मदद करेगा। यहां बनारस में भी, शहर में, घाटों पर स्वच्छता को हमें एक नए स्तर पर लेकर जाना है। गंगा जी की स्वच्छता के लिए उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयास चल रहे हैं। नमामि गंगे अभियान की सफलता बनी रहे, इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड है, हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्किल काल में सैकड़ों स्टार्टअप बना सकता है, इतनी चुनौतियों के बीच
40 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना सकता है, वो भी ये दिखाता है कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए, एक यूनिकॉर्न यानी स्टार्टअप करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और पिछले 1-1.5 साल में बना है, इतने कम समय में, यह अभूतपूर्व है। हर भारतवासी जहां भी है, जिस भी क्षेत्र में है, देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तभी नए मार्ग मिलेंगे, नए मार्ग बनेंगे और हर नई मंजिल पाकर रहेंगे। भाई और बहनों, तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का। ये आजादी का अमृत काल है, हम आजादी के 75वें साल में है, जब भारत 100 साल की आजादी का समारोह बनाएगा तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा और इसके लिए जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। जब हम देश में बनी चीजों पर गर्व करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे। अमृत काल में भारत 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से, सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। महादेव की कृपा से, हर भारतवासी के प्रयास से हम आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाथ के, माता अन्नपूर्णा के, काशी कोतवाल के और सभी देवी देवताओं के चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग कोने से पूज्य संत महात्मा पधारे हैं, ये हमारे लिए, मुझ जैसे एक सामान्य नागरिक के लिए ये सौभाग्य की पल है। मैं सभी संतों का, सभी पूज्य महात्माओं का सर झुका करके हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आज सभी काशीवासियों को, देशवासियों को फिर से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी ओजस्वी उद्बोधन के लिए। दिव्य संबोधन, दिव्य धाम का लोकार्पण, दिव्य धाम के लोकार्पण के साथ ही साथ दिव्यतम महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत सृजन का संकल्प और स्वच्छता का संकल्प, ये उन्होंने देशवासियों से मांगा है और साथ ही साथ बाबा के धाम में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का व्रत भी देशवासियों से लेने के लिए उन्होंने ये संकल्प यहाँ से मांग की है। यहाँ बाबा के धाम में उन्होंने आकर कुछ मांगा है, वो तीन चीज़ें हैं, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत का सतत प्रयास। इस समय देश भर के आए हुए संत महात्माओं, मनीषियों, विद्वानों,
प्रबुद्ध जनों से संवाद कर रहे हैं, शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस दिव्य भव्य नव्य धाम का लोकार्पण किया है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से हुआ है। संत स्वरूप में खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है। उनके संबोधन में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि भारत आध्यात्म के साथ साथ अंतरिक्ष में भी विकास कर रहा है, भारत किस तरह विरासत को सजोकर विकास भी कर रहा है। अगर अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो समूचे देश भर में मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ स्वास्थ्य मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में अगर दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का लोकार्पण हो रहा है तो यह भी सत्य है कि हम अंतरिक्ष में गगनयान भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये बदलते हुए भारत का उद्भव का, भारत के उत्कर्ष का ये प्रमाण है, ये प्राकट्य है। और यह नवीन रूप जो काशी विश्वनाथ धाम के परियोजना का आज लोकार्पण हुआ है, यह भी भारत की भावभूमि पर नवीन तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण काशी धाम से। काशी धाम का सीधा का आज जिस तरह से लोकार्पण हुआ और जिस तरह से एक दिव्य अनुभूति सभी ने अनुभव की वहाँ पर, ये निश्चित तौर पर एक अलग विशिष्ट अनुभूति का विषय रहा है। आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया और अपने ओजस्वी